नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। वासुदेव नमोस्तुते। हरि ओम शांति 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 सुशांति भवतु। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। सत्य सनातन धर्म की जय। स्वामी महाराज की जय। श्री के चरणों में निवेदन कि अपने को उस गीता के ज्ञान को अग्रसर करें जिससे हम लोगों का जीवन कल्याण हो। हरि ओम। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जाये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभम् चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परसुमृगवरा वेदिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्तुतममरगणैः व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महंतं गोविंदयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोतकं वार्तिककारमन्यान् अस्मत् गुरुं संततमानतोऽस्मि। विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदि दिव्य चक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। ओम शांति शांति शांति। शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। शिवाय नमः। ओम नमः
कि अर्जुन कहता है कि महाराज युद्ध करेंगे तो बहुत लोगों का संहार होगा, मारकाट होगी, पाप लगेगा, अतः मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, कि जो तुम कह रहे हो काट मार होगा, पाप लगेगा, ये अज्ञानियों के लिए है। जो ज्ञानी हैं, तत्व ज्ञानी हैं, उनके दृष्टि में ये सारी कोई समस्या नहीं है। क्योंकि सारे जगत में दो ही पदार्थ हैं, एक अजन्मा अविनाशी, दूसरा बनने और बिगड़ने वाला, सजन्मा और नाशवान। नाशवान का ही नाश होगा, अविनाशी का नाश नहीं हो सकता। सारे जगत में दो ही पदार्थ हैं, एक आत्मा और दूसरे अनात्मा। एक नित्य और दूसरा अनित्य, एक सत्य दूसरा असत्य, मिथ्या। वेदांत मिथ्या शब्द ज्यादा प्रयोग करता है। असत्य और मिथ्या में बड़ा अंतर है, ध्यान देना। असत्य का अर्थ है वस्तु का होना नहीं, मिथ्या का अर्थ है वस्तु की प्रतीति तो होती है लेकिन जिस रूप में वस्तु प्रतीत होता है उस रूप में नहीं मिलता, उसको क्या बोलते हैं? मिथ्या। स्वाधिष्ठाने वादमानत्व मिथ्यात्व, मिथ्या का लक्षण क्या है? सो अधिष्ठाने वादमानत्व, जो वस्तु जिस अधिष्ठान में दिख रहा है अविचार काल में, अज्ञान की अवस्था में, अविचार की अवस्था में, वही वस्तु विचार के बाद यानी ज्ञान के बाद उसी अधिष्ठान में उसका बाद होता है तो उसको मिथ्या कहते हैं। उदाहरण दिया है, उदाहरण मरुजल का देते हैं महात्मा लोग। मरुजल समझते हैं ना, मरुजल का अर्थ होता है मरुभूमि में दिखाई पड़ने वाला पानी, उसको क्या बोलते हैं? मरुजल। सरोवर में दिखाई देने वाला पानी भी मरुभूमि में दिखाई पड़ने वाला पानी। दूर खड़े होकर दिन में 12 एक बजे के आसपास दूर खड़े होकर मरुभूमि में देखोगे तो ऐसा आभास होता है कि बहुत बड़ा तालाब है और पानी ही पानी भरा हुआ है। वो जो जलाभास, आप समझ रहे हैं ना, उसको वेदांत में क्या बोलते हैं? जलाभास। जलाभास जल नहीं, जलाभास। हाईवे में आप दिन में गाड़ी चलाओ, खूब धूप लगी हो तो आपके ठीक गाड़ी से 20-25 मीटर आगे सड़कों में जहां पीच हुआ हुआ है वहां देखोगे तो ऐसा लगेगा कि पानी अभी अभी पानी गिरा है, बारिश हो गई और गड्ढों में पानी भरा है। लेकिन जब तक वहां पहुंचते हैं तब तक वहां सूखा है, पानी है नहीं। जल नहीं है परंतु जल जैसा दिखता है जलाभास। जैसे उस दिन हमने कहा था मिरर में क्या दिखता है? मुख दिखता है कि मुखाभास दिखता है?
दर्पण में मुख नहीं दिखता है, क्या दिखता है? मुखाभास। इसी तरह मरुभूमि में क्या दिखता है? जल दिखता है कि जलाभास दिखता है? ऐसे ही मंद अंधकार की अवस्था में कहीं सड़क के किनारे रस्सी पड़ी हो, भ्रांति से सर्पाभास, सर्प जैसा दिखने लग जाता है। और अज्ञानी लोग, जिस अज्ञानी का अभिप्राय रस्सी को न जानने वाले, ध्यान देना, अज्ञानी लोग का अर्थ क्या हुआ? जो वस्तु जहां दिख रही है वहां उस अधिष्ठान को न जानने वाला, वहां है रस्सी लेकिन दिख क्या रहा है? सर्प। तो रस्सी का जिसको अज्ञान है, रस्सी को न जानने वाला, उसको क्या दिखेगा वहां? सर्प दिखेगा। सर्प होकर दिख रहा है कि बिना हुए दिख रहा है? दिख रहा है तो उसको तुम असत नहीं कहोगे, लेकिन जब रोशनी लेकर जाओगे तो रस्सी दिखने के बाद वो सर्प बाधित हो जाने के कारण, कहां बाधित होता है? तो जिस रस्सी में सर्प दिख रहा था उसी अधिष्ठान में वह सर्प का बाध हो जाने के कारण सर्प क्या हुआ? सो अधिष्ठान है बाध मानत्व मिथ्यात्व। जैसे मरुभूमि में जल दिख रहा था, जब दूर खड़े होते हैं तो पानी का सरोवर दिखता है, तो जिसको ये मरुभूमि है ये भान नहीं है, उसको तो असली पानी दिख रहा है। अब जब लोटा लेकर जाता है नजदीक तो पानी मिलता नहीं है, वहां पहुंचता है तो पानी गायब, तो आश्चर्यचकित होता है कि अभी अभी यही दिखा था, वो गया कहां ये पानी? तब वहां जहां पानी दिख रहा है तो वहां पहुंचता है तो वहां पानी गायब हो जाता है, पानी फिर कहां दिखता है? दूसरी जगह, उतनी दूरी में फिर दूसरी जगह पानी दिखता है, जहां से वो चल के आया फिर वही पानी दिखने लग जाता है। तो जिस अधिष्ठान में जल दिखा था उसी अधिष्ठान में जल का बाद होना, देखो वेदांत नाश होने बात नहीं कहता है, वेदांत किसी भी पदार्थ का नाश की बात नहीं कहता है, क्योंकि पदार्थ है, होते तब ना नाश होता, पदार्थ तो है ही नहीं। इसलिए वेदांत क्या बोलता है बोलो? नाश ये शब्द प्रयोग नहीं करता है, बाद। बाद माने जो वस्तु जहां दिख रहा था वो वस्तु वहां नहीं है, ये निश्चय करना बाद है, समझ रहे ना? बाद और नाश में ये अंतर है। जैसे ये फूल यहां दिख रहा है, समझ रहे ना? इसको यदि तोड़ मड़ोर कर फेंकोगे तो क्या हो गया? इसका नाश हुआ, उसका तो नाश हुआ। लेकिन ये फूल फूल नहीं है, ये सिद्ध करना है कहां? ये फूल फूल नहीं है, दिख रहा है क्या? दिख रहा है फूल, लेकिन फूल नहीं है, ये सिद्ध कहां करना है? मिट्टी में। ये है क्या? ये मिट्टी के अलावा ये कुछ भी नहीं है। आप क्या समझे? इसको क्या बोलते हैं? बाद। जैसे आपको ये क्या दिख रहा है? कपड़ा दिख रहा है? सच में दिख रहा है? हैं? सच में दिख रहा है कपड़ा? ध्यान देना, ये कपड़ा है ही नहीं, ये धागा है, धागे का खेल है। यहां धागा खड़े और तिरछे धागे के अलावा यहां कुछ और चीज है? उसी को तो कपड़ा नाम दे है। मुझे बोलो, कब नाम देने से होता है वस्तु हो जाएगा? कपास। नाम देने मात्र से वस्तु हो जाएगा? कपड़ा प्रूफ करो, ये कपड़ा है प्रूफ करो ना। इसको कपड़ा सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप जिस समय यहां इसमें प्रयुक्त हुए हुए धागे को मैं फिर बोल रहा हूं, धागों को जो खड़े और तिरछे, इसके अलावा यहां कुछ भी नहीं,
खड़े धागे और तिरछे धागे के अलावा और कुछ है मुझे सिद्ध करो कपड़ा है। ये सारे धागे को यदि निकाल दोगे, धागा धागा अलग कर दोगे, कपड़ा नाम का कोई वस्तु बचेगा है? तो अब क्या है, कपड़ा है ये अभी भी क्या है बोलो? इस समय भी धागा ही है, लेकिन धागे आपस में इस तरह मिल गए हैं कि आपको भ्रांति से कपड़ा दिखने लग गया। ये भ्रांति है कपड़ा, असली क्या है, असली क्या है बोलिए। एक समय की बात है, अहमदाबाद भावनगर में बहुत जाया करता था, भावनगर गुजरात में भावनगर जिला है सौराष्ट्र के, मैं खूब जाया करता था, तो दो दो महीना चौमासा करता था वहां वेदांत पर। मैं तो वेदांत ही बोलता हूँ, जहां भी हमको कहते हैं महाराज आप अमेरिका जाकर भी वेदांत बोलते हो, अमेरिका में वेदांत सुनने को मिल जाएंगे। हमने कहा क्या अमेरिका में इंसान नहीं है क्या, सब जानवर है, तुम क्या समझते हो इंडिया में इंसान रहते हैं? अरे यही इंडियन तो वहां गए हैं तो उनको वेदांत सुनाएंगे, क्यों नहीं समझ में आएगा वेदांत। एक दिन पहले दिन, दो दिन, चार दिन, एक साल, दो साल समझ में नहीं आएगा, आखिर सुनते सुनते समझ में आएगा कि नहीं। तुम लोग भी तो क्या एक ही बार सुनाया था, विशेष करके बम्बई जाते हैं हम हर महीना, हर साल जून महीना बम्बई होते हैं हर साल, तो उन लोगों को वेदांत सुनाते हैं। तो बोले अमेरिका में वेदांत सुनने वाले बुझने समझने वाले हैं? हमने कहा हैं, क्योंकि जाते हैं सुनाते सुनाते समझ जाएंगे। तुम लोग भी पहले दिन वेदांत नहीं समझे थे, कई साल सुने हो तब तुम समझ पा रहे हो। इसी तरह अमेरिका में भी जाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, समझते रहेंगे, बुद्धि तो है ही है वहां भी है, बुद्धि इंडिया छोड़कर तो नहीं आए हैं इंडियन लोग, यहाँ नेपाली लोग है, बुद्धि तो साथ ही लेके आए हैं ना। मुझे लगता है कि बुद्धि तो वहां के अपेक्षा यहाँ के पास ज्यादा होगा जहां सब बुद्धि की बात है। तो हम कहते हैं तो वेदांत की जो बात थी तो भावनगर हम जाया करते थे बहुत। तो एक बार की बात है कि ऐसे ही प्रसंग चला, हमने कहा देखो भाई सो अधिष्ठाने बाद मानत्व मिथ्यात्व, मिथ्या शब्द की व्याख्या हम कर रहे थे, मिथ्या और असत में क्या अंतर है किसी ने पूछा था। हमने कहा बड़ा अंतर है, वेदांत असत की बात नहीं करता है, जगत को, जगत को क्या बोलता है वेदांत, ब्रह्म सत्यम। आदिगुरु शंकराचार्य जी का वाक्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म बना पर। आदि सर्वज्ञ भगवान शंकराचार्य जी का वाक्य है, सत्य ब्रह्म है, जगत मिथ्या है, असत्य नहीं, सत्य ब्रह्म है, जगत मिथ्या है, और जीव, जीव क्या है, सत्य है कि मिथ्या है? शंकराचार्य जी कहते हैं जीवो ब्रह्म ही बना पर, जो जीवात्मा जीवात्मा कहते हो वह तो ब्रह्म ही है, अपरा न, ब्रह्म से भिन्न जीव का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। जैसे धागे के अतिरिक्त कपड़े का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, आप समझ में आए कि नहीं बोलो, धागे के अलावा कपड़े का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। अस्तित्व किसका है बोलो, धागे का। हम तो कहते हैं धागे का भी अस्तित्व नहीं स्वतंत्र, कपास के अलावा धागे का स्वतंत्र अस्तित्व है बोलो? धागे ही धागों का कपड़ा बना, कपड़ा बना ही नहीं, धागे आपस में मिल गए तो भ्रांति से कपड़ा दिखने लगा, और वही धागा, तो हम भावनगर की बात कर रहे थे, पूजा हो रही थी एक बार, तो पूजा में
षोडशोपचार पूजा वो करते हैं, तो लास्ट में पंडित जी पूजा करते करते क्या कहते हैं, भगवान को अभिषेक करने के बाद फिर वस्त्र चढ़ाते हैं, समझ गए ना, वस्त्रम समर्पयामि, भगवान को वस्त्र चढ़ाओ तो कपड़ा चढ़ाते हैं। तो एक ने तो वस्त्र तो लिया है, फिर साथ में उपवस्त्र चढ़ानी पड़ती है, वस्त्र और वस्त्र के बाद उपवस्त्र। पंडित जी ने कहा कि उपवस्त्र चढ़ाइए, उसने कहा महाराज जी कपड़ा तो मैं एक ही लाया था, उपवस्त्र तो लाया नहीं, तो हमने कहा धागा चढ़ा दो तो भी हो जाएगा। तो जजमान कहने लगा महाराज उपवस्त्र का अर्थ धागा कैसे होगा, उपवस्त्र तो वस्त्र ही चढ़ाना है ना, धागा चढ़ाने से कहां से उपवस्त्र होगा महाराज। हमने कहा तुम जिसको वस्त्र करके चढ़ा रहे हो वो धागे के अलावा और कुछ है क्या है? धागा चढ़ा दो। तो वो कहता है कि महाराज अपने पत्नी को बुला, ए कहीं धागा हो तो धागा ले आना, स्वामी जी कह रहे धागा चढ़ा दो धागा ले आओ। तो पत्नी कहती है पहले कहा नहीं है धागा नहीं है घर में। ने कहा तुम क्या बात करते हो, तुम लोग धागा ही धागा तुम्हारे घर में पड़ा हुआ है और तुम कहते हो धागा नहीं है। उसके पत्नी आकर के धागा कहाँ है धागा नहीं है। हमने कहा ये तुम क्या पहन रखी हो, तो बोले साड़ी, साड़ी में कितने मीटर धागे हैं बोलो, कभी सोचा साड़ी खुद कितने मीटर की होगी है? 10 मीटर 5 मीटर 5.5 चलो साड़ी 5.5 तो साड़ी नहीं पहनते हो ना इसलिए पता ही नहीं। पहरो छो कोई 5 कहे छे नहीं, कोई 5.5 कहे छे नहीं, कोई 6 कहे छे मापी नहीं पहनते नहीं थी तुम्हें साड़ी लई लीधा पहरी लीधा। अब 5.5 मीटर या 6 मीटर की साड़ी है, सारे साड़ी के संपूर्ण धागा को यदि अलग करोगे कितना मीटर होगा वो है? धागे को साड़ी में से अलग करके धागा धागा साड़ी में प्रयोग करेंगे, साड़ी गायब हो जाएगी, क्या रहेगा वहां धागे, कितना मीटर होगा। इतने मीटर धागा लेकर फिर कहती है धागा नहीं है। तो वो जो कपड़ा फाड़ कर जो शिव जी को चढ़ाया था, फाड़ते समय में कुछ धागे के टुकड़े वहां गिरे थे। हमने कहा यही चढ़ा दे, बोले महाराज ये हो जाएगा धागा, बोले ये धागा है क्या है, ये जंजीर है क्या लोखंड की, आखिर क्या है ये, दृष्टि दृष्टि सोच की कमी समझ की कमी, समझ गए। अब धागा वास्तव में क्या है, कपड़ा धागे धागों का खेल है और धागा कपास ही कपास का खेल है। बोल जिसके पास शरीर में कपड़ा है उसके पास धागा है कि नहीं, और जिसके पास धागा और कपड़ा है उसके पास कपास है कि नहीं, बोलो। फिर क्या कहते हैं कि कपास नहीं, आप लोगों के पास कपास है, अब है ना, अब समझ में आ गया, तो कह रहे भाई यदि शुरू में ये प्रसंग कहे बिना तुम लोगों से मैं थोड़ा सा कपड़ा कपास मांगता तो कपास दे पाते नहीं, क्या कहते कपास नहीं, वो महाराज जी को जाके कहते महाराज जी कपड़ा और क्या कपास मांग रहे हैं, थोड़ा कपास दीजिए, बस हो रहा है। जब आप विचार करते हो तो कपड़ा धागे में बाध हो जाएगा, बाध हो जाएगा माने कपड़ा नष्ट नहीं होगा, बाध होगा माने नहीं नहीं, धागे के अलावा स्वतंत्र कपड़ा नहीं है, ये बुद्धि हो जाएगी, कपड़े का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, उसको क्या बोलेंगे बाध।
और जब इस तरह विचार करते हैं तो धागे का कपास में धागे का क्या होगा, बाद होगा, बाद होगा, नाश नहीं, बाद हो जाएगा, बाद मन बाद करो, यानी स्वतंत्र धागे का कपास के अलावा धागे का स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध नहीं होगा। और जिसका स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध नहीं होता है उसी को वेदांत में क्या बोलते हैं, मिथ्या। ये स्व अधिष्ठान वाद मानत्व मिथ्यत्व। एक सज्जन ने कहा, महाराज आप ब्रह्म दर्शन कराओगे? हमने कहा ब्रह्म दर्शन करना है तुम्हें, आसान है, ब्रह्म दर्शन अभी करा देते हैं भाई, बैठे बैठे करा देंगे, कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन तुमको समझ में आ जानी चाहिए। हाँ, ये क्या देख रहे हो, सच में कपड़ा देख रहे हो? बोलो, आंख से क्या दिख रहा है? आंख से धागा ही दिख रहा है, जो कपड़ा है ही नहीं तो कहां से आंख से दिखेगा, धागा ही है, हाँ? धागा ही है तुम्हारी आंख के, तुम क्या छू रहे हो बोलो, धागा ही है। मैं तो कह रहा हूं कि कपड़ा सिद्ध करो तब ना हम मानेंगे। सिद्ध क्या हो रहा है, कपड़ा सिद्ध हो रहा है कि धागा सिद्ध हो रहा है? कपड़े और धागे दो में से सच क्या है? मैं फिर पूछ रहा हूं आपसे, आप फिर बोलना, कपड़ा और धागों में दो में से यहां सच क्या है? सच धागा है, फिर कपड़ा क्या है? मिथ्या। ये मिथ्या मतलब कपड़ा है नहीं, भास हो रहा है कपड़ा है नहीं। अब इसी प्रकार से धागा और कपास में से सच क्या है? बोलो, सच, श्योर, पक्की, बोलो, फिर कोई शंका हो तो बोलो। धागा और कपड़े माने कपास दो में से सच क्या है? कपास है, पक्की बात है। अब कपड़ा और धागा और कपास, तीन तीन चीज हो गया कि नहीं बोलो, एक हो गया कपड़ा, दूसरा हुआ धागा और तीसरा हुआ कपास, ये तीन में से सच क्या है? कपास सच है तो फिर असत क्या है, मिथ्या क्या है? कपड़ा और धागा दो चीज मिथ्या, कपास बोलो। वेदांत बहुत इजी है बाबा, पता नहीं आप लोग क्या समझ रहे हो कि वेदांत को समझ में नहीं आता, इतना आसान है सर वेदांत। अब क्या दिख रहा है तुम लोग बोलो, कपास नहीं दिख रहा है? क्या बात करते हो, धागा होता तो दिखता ना, है क्या, सच क्या है बोलो, अब क्या दिख रहा है, दिख रहा है कपास? क्या बात है, आप लोगों तो दृष्टि बदल गई, अब भी बदल गई दृष्टि। और दूसरी बात, ये जो कपास कपास कह रहे हो ना, ये कपास कुछ भी नहीं, ये कपास कुछ भी नहीं, ये मिट्टी के अलावा कपास कुछ भी नहीं। यदि आग लगती है, हैं? आग लगती है तो क्या निकलता है, क्या शेष रहता है वहां? तो सच क्या है, क्या दिख रहा है तुमको बोलो, इसमें यदि आग लगती है, ध्यान देना, ध्यान देना, इसमें यदि आग लगती है तो कपड़ा दिखेगा कि धागा दिखेगा कि कपास दिखेगा? राख क्या है, मिट्टी तो है, तो सच क्या है बोलो, क्या पहन रखे हो, पक्की, पक्की बात है, कोई शंका, शंका हो तो बोल ना, अभी क्लियर कर देते हैं, कल से तो हम इंडिया चले जाएंगे, कल की तो फ्लाइट है, आज ही पक्का कर, पक्का, क्या पहन रखे हो, तुम्हारे शरीर में क्या है, क्या बात है, अभी कपड़ा कह रहे थे,
कुछ दिन पहले फिर कुछ पहले फिर धागा बोलने लगे थे, तो बोलते बोलते फिर कपास बोलने लगे थे। क्या हुआ, भांग पी के आए हो क्या? अब कहते कहते मिट्टी, बोलो यहाँ क्या लगा है? ये सब मिट्टी। देखो एक सज्जन थे, हमारे शिष्य थे माने भक्त थे, हमारे गुरु महाराज के शिष्य थे, आश्रम के भक्त, दिल्ली की बात है। तो वो बड़े अपने आप को वेदांत मानते थे, वो बड़े भारी वेदांत, किसी से भी बात करने लग जाओ तो वो अपने मतलब की बात करते थे और दूसरों को बेवकूफ बना देते थे। जैसे उनको कहा, अरे चलो भोजन करने का समय हो गया है, चलो भोजन करने के लिए चलो। वो कहने लगे, गुरु महाराज कहते हैं आत्मा तो खाता ही नहीं है, क्या भोजन करने जाना है? आत्मा को भूख प्यास ही नहीं लगता है तो भोजन क्यों करना है? उनको जब भूख नहीं लगी रहती है ना, तब फिर वो ये कह देते हैं गुरु महाराज कहते हैं आत्मा तो कर्ता भोगता नहीं है, क्या भोजन करने जाना है? जिसको भोगना भोगो, आत्मा तो भोगता नहीं है, कह देते थे। अब जब उनको भूख लगे तो कहे, अरे भाई खाना दो। बोले, तुमने तो कहा था कि आत्मा को भूख नहीं लगता है, फिर खाना क्यों मांग रहे? बोले, गुरु महाराज जी कहते हैं प्राण को भूख लगती है। ठीक ही कह रहे हैं, गुरु महाराज जी ने कहा, शास्त्र ने ही कहा, जन्म मृत्यु किसका धर्म है? शरीर का नहीं। किसने कहा? हाँ बलदेव जी फेल हो गए। जन्म मृत्यु किसका धर्म है? शरीर का। और भूख प्यास किसका धर्म है? प्राण का। और सुख दुख किसका धर्म है? मन का, शरीर का नहीं। सुख दुख मन का धर्म है, भूख प्यास प्राण का धर्म। जब उनको भूख लगती थी, कहा कि अरे तुमने तो कहा कि आत्मा तो खाता नहीं है, फिर भोजन क्यों मांग रहे हो? बोले, गुरु महाराज ने कहा है भूख प्यास प्राण का धर्म है, तो प्राण को तो भोजन चाहिए ना। बड़ा उठपटांग करे, जब भी बोले अपनी बात ऊपर रख ले। एक बार हमको भोजन के लिए बुलाया घर में, महाराज आप भोजन करने के लिए आइए, एक बार भोजन हमारे घर में भोजन करें। हमने कहा ठीक है भाई, ये सबको हैरान करता है, आज इसको हैरान करता हूं मैं है? तो उसने टैक्सी बुला ली, गाड़ी उसकी अपनी गाड़ी थी, गाड़ी बुला लिया और घर में बहुओं को कहा, सबको कहा, क्या स्वामी भोजन करने के लिए आने वाले हैं, ठीक ठाक करना हो। हाँ तो ठीक है, घर में पहुंचे और पहुंचते ही उसने बैठक में ले जाकर कहा कि महाराज आप बैठिए, मैं कपड़ा बदल कर आता हूँ, बैठिए। तो वो तो इतना करके चला गया, हम खड़े रहे। तो हम खड़े रहे, कपड़ा बदल कर वो आया तो कहने लगा, महाराज आप बैठे नहीं? तो हमने कहा, अरे भाई तुम्हारे घर में सब मिट्टी मिट्टी है, ये मिट्टी में कहाँ बैठे हम? हमने ऐसा मुख बिगाड़ कर कहा, समझे कि नहीं, मुख बिगाड़ कर ऐसा सीरियस होकर कहा। वो सच समझ गया, ओहो बहुओं को नौकरों को सबको डांटने लगा, अरे तुमको कहा था स्वामी जी आएंगे, घर की सफाई करना, बैठक में सफाई नहीं किया, देखो गुरु जी सब मिट्टी है कह रहे हैं गुरु जी, तुरंत सफाई करो। तो बहुओं ने नौकरों को डांटा, सबने कहा कि सुबह सफाई किया है, बोले देखो स्वामी जी खड़े हैं अभी तक, जाओ तुरंत साफ करो। तो आए, कपड़ा झाड़ू लिया, इधर पोंछा किया, उधर किया, बैठिए महाराज। तो हम फिर भी खड़े ही रहे, बैठे नहीं। फिर चला गया, थोड़ी देर के बाद आया, क्या महाराज अब क्या हुआ, आप बैठिए ना, अब तो सफाई हो गई। तुम्हारे नौकर चाकर भी ऐसे ही है, तुम्हारी बहुएं भी बड़ा लापरवाही है, ठीक से साफे ही नहीं करती है, मिट्टी जैसा करता ऐसा, जो कहते हो मिट्टी छोड़ दिया। अब तो वह अपने आप जाके कपड़ा लेके आके वो कुर्सी और सफाई खूब साफ करने लगा, कुर्सी सोफा खूब साफ किया, बोले अब बैठिए महाराज। तो हमने कहा, उसका हाथ स्पर्श करके उस सोफा को, बेटा
कि मिट्टी है कि नहीं, ये मिट्टी है, कैसे बैठे मिट्टी में, कहां मिट्टी, कुछ नहीं। बोले ये सोफा क्या है, क्या है ये सोफा, बोलो। एक आकाश से टपका है कि धरती से बना है, हैं? ये क्या है, हैं? ये कपड़ा क्या है, ये आसन क्या है, धरती से कपास, कपास से धागा, धागे से आसन। तो ये धरती है, मिट्टी है कि नहीं मूल रूप में। लकड़ी क्या है, मूल रूप में मिट्टी है कि नहीं। कपड़े क्या है, मूल रूप में मिट्टी है कि नहीं। हमने उसको कहा तुम्हारे घर में जिधर देखो उधर ही मिट्टी है, जिधर छो उधर ही मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी भरा हुआ है। ये क्या है, मूल रूप में ये मिट्टी है कि नहीं, पृथ्वी का है कि नहीं, पार्थिव है कि नहीं। अरे महाराज क्यों हैरान करते हो, क्यों परेशान करते हो, है? ऐसा विचार करोगे तो कोई कहीं बैठे ही नहीं पाएगा। हमने कहा तू भी तो लोगों को हैरान करता है कि नहीं, हम भी वेदांत की बात कर रहे हैं, है? सोफा जिस कपड़े से बना है वो कपड़ा का मूल क्या है, जिस लकड़ी से बनी है वो लकड़ी का मूल क्या है, ये मिट्टी है, ये कैसे सिद्ध होगा, जब उसमें दीमक लग जाए फिर देखना। दीमक क्या करता है, किसको खाता है, कुछ नहीं खाता है, कुछ होता तो खाता ना, मिट्टी को मिट्टी बना देता है। दीमक क्या खाता है बोलो, तुम्हारी जो कल्पना मिट्टी को लकड़ी कहा था वो खा जाता है, मिट्टी तो वो मिट्टी बनाकर रखता है, मिट्टी नहीं खाता है। दीमक ने मिट्टी खाया देखा है, जहां दीमक लगे हैं वहां किसका ढेर होता है बोलो, असली तो मिट्टी है ना, समझ में आई कि नहीं। जिसको तुम कालीन कहते हो ये कालीन मिट्टी है, ये कब है तो जब दीमक को लगा दो यहां कालीन गायब हो जाएगा, होगा कि नहीं। जिसको तुम लकड़ी कहते हो वो लकड़ी क्या है, मिट्टी है। आग लगे तो राख और दीमक लगे तो मिट्टी, मिट्टी का मिट्टी। अब क्या देख रहे हैं, मिट्टी देखा। मिट्टी कपास में बदल गया, लेकिन ये नहीं समझना कि मिट्टी स्वरूप से नष्ट हो गया। मिट्टी मिट्टी रहते हुए ही क्या हुआ, कपास हो गया, और कपास धागे में बदल गया। ये नहीं समझना कि वो कपास अपने मिट्टी पना को छोड़कर धागा बन गया, ऐसा नहीं। मिट्टी मिट्टी के रहते हुए ही कपास धागा बन गया और धागा कपड़ा बन गया। ये नहीं समझना कि धागा कपड़ा बन गया तो फिर मिट्टी छोड़ दिया, ऐसा नहीं। तो उसका जो स्वरूप है मिट्टी, ओरिजिनल रूप है मिट्टी, वो मिट्टी ही है। मिट्टी को छोड़े बिना, मिट्टी को छोड़े बिना कपास, मिट्टी को छोड़े बिना धागा, मिट्टी को छोड़े बिना कपड़ा। कपड़ा कल्पना है, प्रतीत मात्र है। धागा कल्पना है, प्रतीति मात्र है। कपास कल्पना है, कपास की प्रतीति मात्र है। जो कपास का वजन है ना, वजन जिसको तुम कपास का वजन बोलते हो, वजन कपास का नहीं है, किसका है, मिट्टी का है। बात समझ में आई कि नहीं। तुम कपड़ा बोल रहे हो ना, कपड़े का वजन, वजन कपड़े का नहीं है, वजन किसका है, मिट्टी का है। हाँ वेट, वजन तो मिट्टी का है ना। अब वेदांत के भाषा के हिसाब से, उपनिषद के हिसाब से जब विचार करते हैं तो मिट्टी की पैदाइश कहां से हुई है, है? जल, पृथ्वी तो मिट्टी है,
जल से। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना आकाशा संभूत आकाशात् वायो वायो रग्ने रग्ने आप अद्भ्यः पृथ्वी। सबसे पहले सृष्टि के आरंभ में परमात्मा से आकाश पैदा हुआ, आकाश से वायु पैदा हुआ, वायु से तेज अग्नि पैदा हुई, और अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी। क्योंकि जो कार्य दिख रहा है वो कार्य में कारण स्वरूप से रहता है। ध्यान देना, जो भी कार्य दिखेगा तुमको, जो कार्य दिख रहा है वो कार्य में कारण, उसका जो कारण है वह स्वरूप से रहता है। बात समझ में आई कि नहीं, बोलो। सोने से बना हुआ आभूषण, चाहे नाक की नथनी हो, चाहे उंगली की अंगूठी हो, चाहे पांव के पायजन हो, है? चाहे गले की माला हो, जंजीर हो, किससे बनी है? सोने से बनी है। इसीलिए नाक की नथनी में सोना स्वरूप से है, सोना स्वरूप से है। सोने का स्वरूप नष्ट नहीं हुआ है, ध्यान देना। तुम नाक की नथनी बना लो तो भी सोने का स्वरूप में कोई विकार नहीं आया है, कोई बदलाव नहीं आया है, पूरा का पूरा सोना नथनी में स्वरूप से रहता है। रहता है कि नहीं, बात समझ में आ गई? इसी तरह यदि मिट्टी से घड़ा बना है, जिस मिट्टी से तुमने घड़ा बनाई है वह मिट्टी नष्ट हो गया? बोलो, वह मिट्टी कारण है, घड़ा क्या है? कार्य है। समझ में आई कि नहीं, बोलो। कि मेरी आदत है, वो समझ में आई कि नहीं पूछना है? बहुत फेमस है मेरा ये डायलॉग। मिट्टी से यदि घड़ा बना है, घड़ा क्या हुआ? कार्य। मिट्टी क्या हो गया? कारण। वो जो मिट्टी का गोला था, उस गोले से जो घड़ा बना, मिट्टी क्या नष्ट हो गया? कहाँ गया वो मिट्टी? घड़े में मिट्टी स्वरूप से ही है, वो तो स्वरूप। घड़े का तो अपना कोई स्वरूप ही नहीं है, मिट्टी का ही स्वरूप किसके रूप में हो गया? घड़े के रूप में दिखने लगा। क्या दिखने लगा? मिट्टी। स्वरूप से मिट्टी कहाँ है? घड़े में है। और वो घड़ा फूट गया, फूट गया तो छोटे छोटे सकोरे बन गए, बने कि नहीं? अब वो मिट्टी कहाँ गया? सकोरे में मिट्टी स्वरूप से ही है, मिट्टी का स्वरूप कहीं भी नष्ट नहीं हुआ है। कारण का स्वरूप कभी भी नष्ट नहीं होता, कारण का स्वरूप कभी भी नष्ट नहीं होता है। आप गेहूं से आटा बनाते हो और वो आटे से रोटी बनती है, रोटी में गेहूं और आटा स्वरूप से है। समझ में आई कि नहीं? वो आटा रोटी में कैसे है? स्वरूप से है। रोटी तो है ही नहीं, रोटी भ्रांति से दिख रहा, और असली रूप में आटा। अब उसी को, रोटी को सुखाकर फिर चक्की में डाल दो तो क्या निकलेगा? है क्या निकलेगा? बोलो, आटा ही निकलेगा कि नहीं? इसी तरह इस कपड़े को मशीन में डाल दोगे तो क्या निकलेगा? कपास। और आग में लगा दोगे तो क्या निकलेगा? मिट्टी। अब पृथ्वी का कारण क्या है? जल। पृथ्वी का कारण जल है, इसीलिए आप लोगों को भी अनुभव होता है। अमेरिका में तो यह अनुभव नहीं होता है, इंडिया के तरफ नेपाल के तरफ अनुभव होता है कि शरीर में पसीना जब आता है तब मिट्टी तैयार हो जाता है।
हो जाता है कि नहीं, ऐसा ऐसा करो तो एक पसीने से क्या निकलते हैं, मैल। मैल क्या है? पसीना नहीं आया होता तो मिट्टी तैयार होती है? यहाँ तो पसीना आता ही नहीं है। अमेरिका में पसीने की कमाई नहीं खाते लोग, पसीने की कमाई नहीं खाते, वो पसीना ही गायब कर देते हैं, तो कमाई क्या खाए? वहां के लोग भी पसीना निकालते हैं ना, तो यहाँ के तो कहा गाड़ी भी एयर कंडीशन, घर भी एयर कंडीशन, ट्रेन एयर कंडीशन, बस एयर कंडीशन, घर एयर कंडीशन, ऑफिस एयर कंडीशन, एयर कंडीशन के अलावा दूसरा तो है ही नहीं, पसीने नहीं आता है। तो पानी, पसीना क्या है? पानी, उससे फिर मिट्टी, मैल निकल गया ना। ऐसा पसीना ना आए तो ऐसा निकलेगा नहीं मैल, और पसीना आ जाए तो थोड़ी देर में ऐसा करो तो। अब पानी कहां से पैदा होगा? अग्नि से, जल की उत्पत्ति अग्नि से है। अब देख लो, अग्नि की उत्पत्ति वायु से। आप लोगों ने देखा होगा, जहां ऑक्सीजन है वहां आग जलती है, और जहां ऑक्सीजन नहीं है वहां अग्नि नहीं जलती। हवा यदि न हो, आप आग के लाल गोला है उसको पकड़कर किसी डब्बे के अंदर डाल के तुरंत हवा बंद कर दोगे, तुरंत बुझ जाएगा, वो ताला हो जाएगा तुरंत, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिला तो अग्नि का दिया जलाओ और वैक्यूम करके एक हवा बंद करने की तरह ढक्कन लगा दो, दिया तुरंत बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हवा नहीं मिला उसको। इसका मतलब अग्नि के आत्मा क्या है? अब देख लो, और वायु की आत्मा आकाश। वेदांत की प्रक्रिया बता रहा हूं मैं आपको। और आकाश की आत्मा महतत्व, महतत्व के आत्मा माया, और माया का भी आत्मा परमात्मा। परमात्मा, परमात्मा के बाद माया, माया के बाद महतत्व, महतत्व के बाद त्रिविध अहंकार, त्रिविध अहंकार के बाद पंच तन्मात्रा, पंच तन्मात्रा के बाद पंच महाभूत, पंच महाभूतों में पहला आकाश, दूसरा वायु, तीसरा तेज, चौथा जल, पांचवा पृथ्वी, पृथ्वी के बाद कपास, कपास के बाद धागा, धागे के बाद कपड़ा। कपड़ा क्या है? कुछ नहीं, ब्रह्म। मूल में क्या है? मूल में ब्रह्म। ब्रह्म से माया, माया से त्रिविध अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्रा, पंच तन्मात्रा से आकाश, वायु, अग्नि, तेज, पृथ्वी, पृथ्वी से कपास, कपास से धागा, धागे से कपड़ा और ब्रह्म। अब ये क्या देख रहे हो बोलो? ये तो ब्रह्म। कारण दर्शन है, कारण, और सभी कार्य है, और सभी कार्य है। मूल कारण क्या है? तो परमात्मा, वही सत्य वस्तु है। देखो, इसलिए उस कह रहे हैं ना, मूल सत्य वस्तु क्या है? परमात्मा। कपड़ा असत, मिथ्या, धागा, धागा कपड़ा दोनों मिथ्या, कपास सत्य, कपास धागा कपड़ा तीनों मिथ्या, मिट्टी सत्य, मिट्टी मिथ्या, जल सत्य, उसका कारण जल है ना, और जल मिथ्या, उसका कारण तेज सत्य, तेज मिथ्या, उसका कारण वायु सत्य, वायु मिथ्या, उसका कारण आकाश सत्य, आकाश मिथ्या, उसका कारण त्रिविध तन्मात्रा सत्य, त्रिविध तन्मात्रा मिथ्या, उसका कारण अहंकार, त्रिविध अहंकार सत्य, त्रिविध अहंकार मिथ्या, तो माया सत्य, माया मिथ्या, तो क्या सत्य? ब्रह्म सत्य। कपड़े से लेकर माया पर्यंत ये सब क्या है?
कार्य है, कार्य होने के कारण मिथ्या है। कहां? ब्रह्म। ब्रह्म किसी का कार्य नहीं है। ये न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, ब्रह्म किसी से उत्पन्न नहीं हुआ होने के कारण वह किसी का कार्य नहीं है। इसलिए पारमार्थिक सत्य ब्रह्म है, आत्मा है, परमात्मा है, और उससे भिन्न सब क्या है? मिथ्या है। ये वेदांत की प्रक्रिया बता दी आपको। तब कारण दृष्टि होते ही कार्य दृष्टि बाद होती है। समझ में आई कि नहीं? सोने की दृष्टि होते ही आपको तो आभूषण की जरूरत थी, तो आपको कार्य की जरूरत थी, तो आप ज्वेलरी के पास खरीदने जाते हैं, क्या खरीदने जाते हैं? हाँ, गोल्ड खरीदने जाते हैं कि आभूषण खरीदने जाते हैं? है? बोलो। जो ज्वेलरी के पास आभूषण खरीदने जाता है वो आभूषणों की डिजाइन देखता है, न कि गोल्ड। क्या देखता है वो? आभूषणों की डिजाइन देखता रहता है। यह इस डिजाइन का है ये खरीदें, यह इस डिजाइन का इस खरीदें। ज्वेलरी कहता है ये 5-6 आइटम मैंने आपके सामने रखा है और एक नंबर का सोना है। अब एक नंबर का सोना है सभी आइटमों में है, तो कुछ भी खरीद लो, फिर चॉइस क्यों? बोलो बोलो। क्योंकि आप गोल्ड नहीं खरीद रहे हैं, आप क्या खरीद रहे हैं? आभूषण खरीद रहे हैं। अब कुछ साल के बाद उस आभूषणों को तुम्हें बेचनी है। बात समझ में आई कि नहीं? तब ज्वेलरी के पास उसको लेके जाओगे, ज्वेलरी क्या देखेगा? और आप क्या देखा था खरीदते समय? और ज्वेलरी क्या देखता है खरीदते समय? क्या तुमको ज्वेलरी आभूषणों के डिजाइन का पैसा देगा? बोलो, वो डिजाइन का पैसा देगा आपको? वो आपको केवल गोल्ड का पैसा देगा। वो सोने के अलावा वो डिजाइन देख नहीं रहा है। वो ज्वेलरी जब तुमसे खरीदता है वह कारण को देखता है, कार्य को नहीं देखता। समझ के आएगी नहीं बात? और आप ज्वेलरी से जब खरीदते हो कारण पर आपका ज्यादा महत्व नहीं जाता है, आप कार्य पर आपकी दृष्टि टिकती है। और जब तक कार्य पर दृष्टि टिकी हुई है कारण इसी तरह छुपा रहेगा जैसे तुम बाजार में कपास खरीदने जाते हो कि कपड़ा खरीदने जाते हो। तो कपड़ा खरीदते समय तुमने खरीदा किसको? मिट्टी को। लेकिन कपड़े के दुकान पे जाकर कहना मुझे 10 मीटर मिट्टी देना, समझ में आएगा उसको? है? उसको समझ में आएगा? आप ईमानदारी से कह देना 10 मीटर मिट्टी देना, उसको समझ में आएगा। लेकिन आज के बाद आपसे यदि कोई कहे कि 10 मीटर मिट्टी दो, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं वो क्या मांग रहा है? हैं? क्योंकि मिट्टी को मीटर से नापना संभव नहीं है, और कहने वाला कह रहा है 10 मीटर मिट्टी दो, इसका मतलब 10 मीटर कपड़ा मांग रहा है। आप समझ जाओगे, लेकिन जो वो दुकानदार नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो वेदांत की प्रक्रिया को नहीं समझ रहा है। तो चला कि मैं जा रहा हूं तो मेरे पीछे लग गया वो भी, तो हमने कहा चल तू भी चल। वहां चले गए, वहां जाने के बाद कुरुक्षेत्र की महिमा, सूर्य ग्रहण की महिमा उसको सुना दिया कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय में ग्रहण लगा हुआ हो तब सोना दान करना चाहिए। समझे कि नहीं? चंद्र ग्रहण में चांदी दान करो, सूर्य ग्रहण में जब ग्रहण लगा हुआ हो तब उस समय में सोने दान करो। हमने सूर्य ग्रहण की महिमा सुना दी,
और दान की महिमा सुना दी, तो इस ग्रहण के समय में सोने का दान करना चाहिए। स्वामी जी आपने पहले नहीं कहा, पहले कहा होता तो सोना लेके आता बम्बई से दान करने के लिए थोड़ा। अब यहाँ कहाँ मिलेगा सोना, दुकान भी बंद है सब, सोना ही नहीं है। आप पहले कहे होते तो। मैंने कहा तेरी इच्छा है सोना दान करने की? बोले हाँ महाराज। तेरे सोना नहीं लाया? बोले नहीं महाराज, जबकि मेरी आंख पड़ी है उसके गले में। मेरी आंख कहाँ पड़ी है? अब वो चैन मान रहा है, सोना नहीं मान रहा है। अब मेरी आंख पड़ी कहाँ? उसके गले में जो चैन लगा है उसमें आंख पड़ गई। अरे भाई सोना तुम्हारे पास है और तुम कहते हो सोना नहीं है मेरे पास। बोले कहाँ है महाराज? बोले ये क्या है? उसके गले में हाथ लगाकर वो चैन को पकड़ कर कहा ये क्या है? बोले ये तो चैन है महाराज। क्या बात करे, ये किसका है? मिट्टी की। बोले है तो सोने का। बोले सोना है बोल रहे, चैन क्यों बोल रहे? सोना है ये, सोने की है, कारण तो सोना है ना, तो कारण तो है ही है, सोना तो है ही तुम्हारे पास, निकाल सोने को दान करना हो तो कर निकाल। बोले महाराज इतना सब, ये तो 10,000 का है। हमने कहा तुझे सोना दान करना है ना, फिर मूल्य क्यों करता है? फिर हमने उसको निकाला और एक कड़ी को तोड़ दिया, एक कड़ी छोटी सी कड़ी निकाली और उसके हाथ में दिया, जा वो ब्राह्मण खड़ा है ना उसको जाके है उसको दे दान। बोले ये सोने दान हो जाएगा? सोने ही तो दान है, तूने मिट्टी पहन रखा हो तो फिर सोना दान नहीं होगा। क्या पहन रखा है उल्टी? फिर सोना दान हुआ कि नहीं बोल। समझ में ना आने से बहुत गड़बड़ है। ब्रह्म कहीं दूर नहीं है, परमात्मा कहीं दूर नहीं है, परमात्मा कोई दूसरा नहीं है, परमात्मा कोई दूर नहीं, ब्रह्म कोई दूर नहीं, परमात्मा ब्रह्म कोई दूसरा नहीं। क्या है? खुद ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही तुम खुद हो। मूल में चेतना, तुम्हारे में जो चेतना है वो आया कहां से बोलो? ब्रह्म चैतन्य है, इसीलिए तो चैतन्य का ही तुम्हारा स्वरूप में चैतन्य आ गया, तुम खुद चैतन्य। ये तो तुम शरीर के साथ मिलकर, शरीर को मैं मानकर तुम जड़ के साथ मिलते मिलते ऐसा हो गया है कि अपने आप को ये जड़ मानने लग गए। मरने पैदा होने वाला शरीर के साथ मिलकर तुम अपने आप को पैदा होने वाला मानने लग गए, बदलने वाला शरीर के साथ मिलकर अपने आप को तुम बूढ़ा हो गया कहने लग गए, और नष्ट होने वाले शरीर के साथ मिलकर तुम मरने वाला मानने लग गए। ये तो इन सब के विकार है, जबकि तुम यही तो यहां कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे हन्यमाने शरीरे। नाश होने वाला शरीर में तुम अविनाशी के रूप में रह रहे हो, शरीर के नष्ट होने पर भी तुम नष्ट नहीं हो, घड़ा फूट जाने के बाद भी घड़ा आकाश नष्ट नहीं होता। क्या समझे? गहने टूट जाने पर भी, आभूषण टूट जाने पर भी सोना नहीं टूटता, घड़ा फूट जाने पर भी घटाकाश नहीं फूटता, मठ में आग लग जाने पर भी मठाकाश में आग, बोल मठ का तो राख हो जाएगा, मठाकाश का राख होगा है? मठ के अंदर जो स्पेस है उस स्पेस को क्या अग्नि जलाकर राख बना सकती है? इसी तरह हमने माने शरीर नाश होना, नष्ट होना स्वभाव वाला शरीर के अंदर ये अर्जुन आत्मा
कभी नष्ट नहीं होता। इसी तरह जाय माने शरीर है, उत्पन्न होने वाले शरीर में आत्मा उत्पन्न नहीं होता है। शरीर उत्पन्न होने पर भी आत्मा उत्पन्न नहीं होता, शरीर बूढ़ा होने पर भी आत्मा बूढ़ा नहीं होता, शरीर रोगी होने पर भी आत्मा रोगी नहीं होता, शरीर जरा जीर्ण होने पर भी आत्मा जरा जीर्ण नहीं होता। इसी तरह शरीर नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होता। फिर अर्जुन तुम किसको मार रहे हो और कौन मारेगा? इसलिए तुम मारना और मरने की चिंता छोड़ दो, तुम अपना कर्तव्य करो, अपना कर्तव्य करो। मारना और मरने की चिंता छोड़ो, अपना कर्तव्य करो। यदि तुम कर्तव्य नहीं करोगे तो मैं करता हूं तुम्हारे भाव में यदि ये वासना रहेगी तो तुम्हारी इच्छा से युद्ध शुरू हुआ है। यह धर्म युद्ध, धर्म युद्ध तुम करोगे तो तुम्हें पुण्य की प्राप्ति होगी, और ये कर्म छोड़ोगे तो तुम्हें पाप की प्राप्ति होगी। अर्जुन फंस गया है दुविधा। पहले क्या कहता था अर्जुन, मैं युद्ध करूंगा तो युद्ध में बहुत से मरेंगे तो पाप लगेगा। अब अर्जुन क्या कह रहे हैं, अर्जुन यदि तुमने युद्ध छोड़ दिया तो कर्तव्य छोड़ने का पाप लगेगा। तेरे दृष्टि से युद्ध करने पर पाप है और मेरे दृष्टि से युद्ध न करने पर पाप है, तो बच। और पाप से कैसे बचता है? बच। तो ये गीता का तात्पर्य है। तो अब ये तो गीता तो अनंत है, वर्षों इस पर व्याख्या की जा सकती है। तो ये 10 दिन में जितना हुआ है उसी का मनन करो, कार्य और कारण के दृष्टि से विचार करो तो तुम्हें कपास की दृष्टि होते ही कपड़े की दृष्टि बाधित हो जाती है, धागे की दृष्टि बाधित हो जाती है। जिस तरह ब्रह्म दृष्टि होते ही जगत दृष्टि, संसार दृष्टि बाधित हो जाती है, जगत फिर मिथ्या हो जाती है। जैसे कपास सत्य है यह दृष्टि होते ही धागा और कपड़ा मिथ्या सिद्ध हो गया, कपास सत्य हो गया। इसी तरह आत्मा सत्य है यह निश्चय होते ही जगत और नाम रूपात्मक विश्व प्रपंच बाधित हो जाएगा, मिथ्या सिद्ध हो जाएगा। अब विचार करो, अब ये 10 दिन का कार्यक्रम में आज अंतिम दिन है शुक्रवार, एक दिन बीच में मंगल चौथी के द्वारा खंडित हो गया, बाकी 9 दिन का प्रवचन आपने जो सुना है उसका खूब मनन करो। भगवान की इच्छा हुई, कृपा हुई तो फिर आएंगे, फिर सुनाएंगे। पहली बार आए थे 3 दिन सुनाया था, इस बार 10 दिन सुनाया। संभव है कि स्वामी जी की कृपा हुई तो अगले बार आए तो महीनों सुना देंगे, हैं? तो ये तो श्रद्धे हमारे महामंडलेश्वर स्वामी सत्यानंद गिरी जी महाराज की असीम कृपा और असीम प्रेम के चलते यहाँ ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये अवसर स्वामी जी ने हमको प्रदान किया, गीता मंदिर, ये समिति, ये हॉल का और ये सब कार्यक्रम का आयोजना किया, सब धन्यवाद के पात्र है। ये सब पूजा पाठ के साथ साथ सत्संग का वातावरण भी बने रहना चाहिए। सही रूप में पूजा पाठ से चित्त शुद्ध होता है और सत्संग से भ्रांति की निवृत्ति होती है। तो अब चित्त शुद्ध होकर भ्रांति की निवृत्ति हुई तो जीवात्मा का उद्धार होगा, निश्चित होगा। तो आप पूजा पाठ भी करते रहें, सत्संग भी करते रहें और भगवान की कृपा होगी तो दूसरे बार आएंगे तो भी प्रवचन फिर करेंगे, गीता के आगे का प्रसंग फिर बढ़ाएंगे। आप लोग सब धन्यवाद के पात्र हैं, सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं, सभी को धन्यवाद सहित मैं इस प्रवचन का कार्यक्रम पूरा करता हूँ। और इसी साथ ये 3 महीने का अमेरिका प्रवास भी कल लास्ट है, कल एयर इंडिया के फ्लाइट से मैं दिल्ली निकल जाऊँगा। चंद्रशेखर 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 पाही माम, चंद्रशेखर चंद्र
चंद्रशेखर आहि मां चंद्रशेखर 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 रक्ष मां चंद्रशेखर 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 रक्ष मां राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां राम राघव राम राम राघव पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां चंद्रशेखर 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 पाहि मां चंद्रशेखर 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 पाहि मां चंद्रशेखर 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 रक्ष मां चंद्रशेखर 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 रक्ष मां चंद्रशेखर रक्ष मां ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हाँ ये नेपाल सनातन धर्म समिति है ना नेपाल सनातन धर्म समिति न्यूयॉर्क इसका भी इसको भी धन्यवाद देने चाहिए क्योंकि इसी समिति के माध्यम से हम ये गीता मंदिर में जुड़े हैं और उनके माध्यम से ही ये कार्यक्रम आयोजन संभव हो सका तो नेपाल सनातन धर्म समिति न्यूयॉर्क का ये सब कार्यकर्ता लोग बैठे हैं तो सबको भी धन्यवाद सत्य सनातन धर्म की जय परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय सर्व उपमा के योग्य पूज्य महामंडलेश्वर जी महाराज जिन्होंने अपना अमूल्य समय बड़े व्यस्त कार्यक्रम स्वामी जी के थे 3 महीना से लगभग इधर घूम रहे हैं और उन कार्यक्रमों से में से हम लोगों को जो समय दिया हम महाराज जी के खूब खूब आभारी हैं ऋणी हैं और पूज्य महाराज जी का प्रेम है जो यहाँ पर समय हम लोगों को देते हैं
कृष्ण राय जी के साथ हमारा संबंध लगभग 95 के बाद में जब 2000 में दिव्य धाम था तब से उनके साथ हमारा संबंध है। और महाराज जी का यहाँ पर ही तो विष्णु राय के थ्रू हुआ, उनके माध्यम से हुआ यहाँ आने का, परंतु महाराज जी का हम दोनों का परिचय इंडिया में बहुत पूर्व पहले से था। और महाराज जी ने यहाँ पर आके याद किया कि गीता मंदिर है, गीता मंदिर में कोई संत है सेवक सत्यानंद नाम का, उससे मिलना चाहिए। और महाराज जी ने अपना समय निकाल के हमको पिछली बार भी तीन दिन का दिया, इस बार विष्णु जी आए, मेरे को कहा कि महाराज जी में उनका बड़ी अच्छी बात है, महाराज जी आए महीना रहे, श्रावण महीना कथा करे, सत्संग करे, बड़ा अच्छा लगेगा। गीता मंदिर संस्था संतों के द्वारा स्थापित की गई संस्था है जिसका मूल इंडिया में है, परम पूज्य स्वामी श्री जैन जी महाराज के द्वारा स्थापित गीता मंदिर। उसी वृक्ष के सब टहनी शाखा पात हम लोग हैं, और उन्हीं में से स्वामी श्री जगदीश स्वामी जी महाराज थे जिन्होंने इस दिव्य भूमि इस न्यूयॉर्क में आके बड़े पुरुषार्थ से गीता मंदिर की स्थापना किया और संतों की एक परंपरा चले उसका ध्यान रखते हुए की। और यह गीता मंदिर संतों की परंपरा का संस्थान है, आश्रम है, मंदिर है, यहाँ महात्माओं के लिए कोई पूछने की आवश्यकता नहीं है। अनेक प्रकार के महात्मा होते हैं, सभी को तो मैं एकदम यहाँ पर नहीं दे देता हूँ, जो महापुरुष दस नाम से जुड़े हुए हैं, अखाड़ों से जुड़े हुए हैं, महामंडलेश्वर की पदवी से विभूषित है, ऐसे महापुरुषों को मैं अवश्य समय देता हूँ। और महाराज जी की सन्यासियों के संतों का स्थान है, यहाँ पूछने की आवश्यकता ही नहीं, जब भी समय हो इस संस्था सभी महापुरुषों के लिए अविरत खुली हुई है। और पूज्य महाराज ने जो समय दिया मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, महाराज जी जब भी यहाँ आवे तो गीता मंदिर आपका है, आप खाली आदेश कीजिएगा, हम लोग सेवक हैं, यहाँ हमसे जितनी भी सेवा हो सकेगी करेंगे। पुनः खूब खूब आभार महाराज जी का ऋणी हूँ। और महाराज जी के विषय में, महाराज जी के आश्रमों के विषय में आपको जानकारी हमारे गिरजा प्रसाद जी देंगे कि महाराज जी का कहाँ कहाँ आश्रम है, क्या क्या महाराज जी के वहाँ कार्य चल रहे हैं, बहुत बड़े आश्रम है महाराज जी के, बहुत प्रवृत्तियाँ चलाते हैं महाराज जी। तो मैं गिरजा जी से कहूँगा कि वो महाराज जी के विषय में दो शब्द कहें, उनके बाद हमारे विष्णु राय जी कुछ बोलेंगे, और उसके बाद हम सभी लोग मिलकर स्वामी जी का पूजन करेंगे, तो उसके बाद आरती होगी यहाँ। तो मैं अभी माइक गिरजा जी को देता हूँ, गिरजा गौतम जी को भाई हो। स्वामी सत्यानंद जी का हार्दिक अभिनंदन। स्वामी अनंत श्री महामंडलेश्वर स्वामी आत्मानंद गिरी जी महाराज का हार्दिक अभिनंदन, विष्णुदाई का अभिमान अभिनंदन। ये हमारे बड़े भाई हैं और हम इनको हमेशा मानते हैं कि इनके कारण से ये हमको धर्म पथ में अग्रसर रखते हैं, जो हम अपने दैनिक क्रियाकलाप में भटके रहते हैं ये इनको हमको राह दिखाते हैं और ऐसे महापुरुषों के साथ पहुँचाते हैं। स्वामी जी इनका शरीर नेपाल से है और ये अभी नेपाल में रहते हैं, उससे पहले मुंबई में प्रेमपुरी आश्रम में इन्होंने 25 साल तक वेदांत दर्शन में हमेशा प्रवचन किया, और इनके प्रवचन से, इनकी ज्ञान गंगा से बहुत से लोग उनको वेदांत का अनंत ज्ञान मिला। उसी तरह से वो पिछले करीब 14-15 साल से अपने शरीर का जन्म जो नेपाल में था वहाँ वापस गए और अपनी जन्मभूमि की सेवा कर रहे हैं, और जहाँ से भी है सनातन धर्म की रक्षा के लिए और हम जैसे लोगों को कुछ ज्ञान देने की करते हैं। इनके गलेश्वर आश्रम नेपाल में एक देवघाट नाम से है जो काफ़ी धार्मिक महत्व की जगह है, वहाँ पे इनका मेन आश्रम गलेश्वर आश्रम है, उसको शालिग्राम चक्र बोलते हैं, और वहाँ पे इनका संस्कृत पाठशाला है, वहाँ पे अन्नकोष है, वहाँ पे इन्होंने औषधालय खोले हुए हैं, और उसके साथ में इनका दूसरा आश्रम काठमांडू में है, तीसरा आश्रम इनका पोखरा में है, और इनका जहाँ भी ये जाते हैं वो आश्रम बन जाता है।
वो अमेरिका आते हैं, अमेरिका के कई शहरों में गए, वहां जाके जैसे 10 दिन से ये गीता मंदिर के अंदर, ये स्वयं में एक आश्रम तो है ही, लेकिन स्वामी जी ने जो वेदांत का जो अलग जगह है यहाँ पे, हम सब के लिए एक बहुत ही अच्छा अनुभूति रहा। और मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप जैसे महात्मा और संत का स्वागत करने का और आपसे कुछ ज्ञान की वचन सुनने की हम सबको जो मौका मिला, उसके लिए हम सब की तरफ से आपको हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं और आपका अभिनंदन करते हैं। और आप सबका जो साथ रहा वो हम सबके लिए एक हौसला है और आगे चल के हम इससे भी भव्य और बड़े और लंबे कार्यक्रम करेंगे, ताकि जो ज्ञान की जो सिर्फ शुरुआत का आभास हुआ है वो आगे चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन। विष्णुदय आगे कुछ कहेंगे। मैं स्वामी जी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, स्वामी जी सबको पता है। और स्वामी जी एक चीज गीता बाबू ने मिस किया कि वो वृद्धाश्रम भी चला रहे हैं उस जगह में। और मैं सत्यानंद स्वामी जी की बात कर रहा हूँ कि मैं बहुत बहुत दिल से स्वामी जी को आदर करना चाहता हूँ, क्योंकि स्वामी जी का इतिहास बहुत पुरानी है। जब से बच्चे के जब से 5-6 साल का था तब से सेवा करते आ रहे हैं। सत्य सदानंद स्वामी जी से मतलब सेवा करते करते अब तक ये सब हम लोग भी सेवा करें। वो अंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर है, इतना बड़ा पदवी है जिसका 18 शाखा पूरा इंडिया में गीता मंदिर के वो मेन है, अध्यक्ष है, सब कुछ है, फिर भी हमारे के साथ आगे बैठकर हमारे साथ रह रहा है। वो जब इंडिया में जाएंगे तो उसको पाँव छोड़ने के लिए भी नहीं मिल सकता होगा हमें हमारे लिए, लेकिन इधर हमारे साथ गले में मिल के हमारे साथ बैठ रहे हैं। इसीलिए हमको सिर्फ सत्यनंद स्वामी से हम प्रणाम करते हैं, वो आप आशीर्वाद वहाँ को हम सदा लेना चाहते हैं। और कुछ जो कुछ सदानंद स्वामी जी बोलेंगे तो हमको करने के तैयार है, लेकिन एक ही बात हमको स्वामी जब भी बोलते हैं, तुम भी सन्यासी बनो। जब भी आते हैं तुम भी सन्यासी बोलो, मेरे सन्यासी चाहिए, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। जब तक कोई मेरे को परमिशन नहीं दे देगा तब तक मैं नहीं बनूंगा, इसलिए मैं बोला। तभी फिर मैं सन्यासी जैसे रह रहा हूँ, मैं सन्यासी बिना भी स्वामी जी को मेरा आदर करता हूँ, सब स्वामी जी का आदर करता हूँ। इसलिए मेरा दोहरा दो सिर्फ मेरे सत्यानंद स्वामी से ये बात करना चाहता हूँ कि जब भी स्वामी जी आ गए, अंदर से अंदर स्वामी जी आ जाएंगे तो इधर प्रवचन करा देंगे, वही वचन दिया है मेरे को, इसी वचन का पालन करने के लिए मैं आज स्वामी जी को कृतज्ञता हूँ और मैं आभारी हूँ। सदानंद स्वामी की जय, गीता मंदिर की जय हो। विष्णुदय को कहा कि महात्मा बन जाओ, एक हमारे हैं, परंतु महात्मा जैसा होना और महात्मा बन जाना बड़ा फर्क है। अभी महात्मा जैसा पर यहाँ थोड़ी 24 घंटा सेवा कर सकता है मेरे पास, परंतु उसकी सेवा बहुत है। पूज्य महाराज श्री के विषय में जैसे आपको बताया, महाराज जी के विद्यालय चलते हैं, छात्रावास है, वृद्धाश्रम है, मैं महाराज जी के वहाँ गया हूँ। इतनी वृद्ध माताएँ वहाँ है, मेरे को लगता है 200-300 माताएँ तो होगी लगभग, क्यों ना होगी। इतने लोगों का सेवा महाराज जी को वहाँ होता है और बड़ा वातावरण बड़ा सुंदर है। अभी बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल बना रहे महाराज जी, 1 करोड़ रुपये की लागत से बहुत बड़ा हॉस्पिटल नेपाल में बना रहे हैं। हम लोगों का सब लोगों का कर्तव्य होता है, बहुत लोग हम लोग कमाते हैं, कुछ न कुछ ऐसे पुरुषार्थ अच्छे कार्यों में देना चाहिए जिससे जनता की सेवा हो। और मैं आप सभी को कहूँगा, अनुरोध भी करता हूँ कि महाराज जी के लिए, ऐसा नहीं कि आज हम लाए नहीं, महाराज जी भूल गए, क्रेडिट कार्ड लाए हैं आप घिस लो, तो क्रेडिट कार्ड और मशीनियाँ नहीं है अपने पास, नहीं तो हम लोग उसको भी लेते हैं। पर तो बाद में भी आप लोगों की अगर किसी की देने की इच्छा होती है, मन में कुछ जिज्ञासा जाती है कि नहीं हमको महाराज जी को देना है, तो आप महाराज जी के नाम का चेक दे सकते हो, मुझे यहाँ दे सकते हो, मैं विष्णुदय को दे दूंगा, या इन लोगों के नंबर है आप लोग ले सकते हो इन लोगों से नंबर, और उन लोगों को महाराज जी के वहाँ डायरेक्ट बाद में भी पोस्ट कर सकते हो, या इनके शिष्यों को आप दे दोगे तो ये लोग यहाँ से किसी भी तरह महाराज जी को पैसा पहुँचाने की व्यवस्था करेंगे। महाराज जी के कार्य बहुत हैं। और ये मैं कोई, आप लोग कभी भी नेपाल जाओ ना तो नेपाल में गीता मंदिर ही समझ लेना, अपना ही आश्रम है, हो आप कभी वहाँ जाके रह सकते हो, बहुत अच्छी व्यवस्था है महाराज जी की, दिल्ली वगैरह सब देखे। तो पुनः महाराज जी के श्री चरणों में अभिवादन करते हैं और रुपये से मैं कहूँगा महाराज जी को तिलक करें और महाराज जी का आरती हम लोग सब लोग मिलकर करते हैं, और उसके बाद सभी लोग महाराज जी का पूजन करिएगा। हरि ओम नमो स्वादाक्षी शिरोरवाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते
सहस्रकोटि युगधारिणे नमः नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानन्त वासुदेव नमोस्तुते वासुनाथ वासुदेवस्य वासिदं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासो श्री वासुदेव नमोस्तुते सर्वोदगौरं कर्णाधारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुड़द्वया मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलायतनोहरे सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते भगवान की पुष्पावंदनम् चादर उड़ा दिया कि तम दिख गया से आपको मंडे से बना दिया नमोस्तनंताय सहस्रनामताय सहस्रपादाच शिरोरुहाय सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। पहली बार हुआ ऐसा? नहीं ये सभी लोग महाराज जी का पूजन कीजिए, उसमें चंदन है फूल रखा हुआ है। स्वामी जी जा रहे हैं नहीं मूर्ति हनुमान जी की मूर्ति के पैसे ज्यादा दे रहा है और भगवान राम को कम दे रहा है। सबसे बढ़िया उदाहरण रहता है सुन हाँ। राम के पैसे कम दे रहे हो और हनुमान जी के ज्यादा पैसे दे रहे हो, कहते मैं सोना देख रहा हूँ। अच्छा अरे वाह।
पूरा सामान मिलना है पूरे सामान में ना आगे का कार्यक्रम बना तो ऐसे बनाए रुपये सारती आरती आई।